हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायरजी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने DST दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। इसमें जब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो लेटेस्ट ऑर्डर में आप देख सकते हैं कार्या 2023 एडवर्टीजमेंट एंड गाइडलाइंस हैं। यहाँ पर अगर हम देखिए, ये जो एडवर्टीजमेंट है ये कार्या का है, और मतलब कार्या 2023 प्रोग्राम का है, जो कि रिलेटेड है बेसिक साइंस से। जो आप एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर है। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 5/5/2023 रहने वाली। इंटर्नशिप है, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप है, जिसमें आप जाके चीज़ें सीख सकेंगे। अगर हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है। यहाँ पर किसके लिए? बेसिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सब से रिलेटेड आपको अवगत करवाने के लिए, नॉलेजेबल करवाने के लिए चीज़ें हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है ये। कहाँ पे हो सकता है? DAE, DBT, IIT, CSIR, DST, CAR, ICMR और अदर इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है। 8 हफ्ते की ये समर वेकेशन के दौरान रहेगा। इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे उनको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे, जैसे TA DA आपको दिया जाएगा, ट्रांसफर ट्रैवल अलाउंस वगैरह आपको दिए जाएंगे टू एंड फ्रो के, और आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें, स्टूडेंट एप्लीकेंट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ओनली, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, BSc के सेकेंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। MSc के सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ना सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट एमएससी के अप्लाई कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड में है तो आप एमएससी में हो, एमएससी के सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में तो आप अप्लाई कर सकते हो। ड्यूअल डिग्री में हो तो भी आप सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, प्लान ऑफ वर्क देखा जाएगा और कितनी वैकेंसीज है वो देखा जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? कंप्लीट एप्लीकेशंस विद ऑल डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेंगी। इस जीमेल आईडी पे आपको भेजनी पड़ेगी। आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लीट एप्लीकेशन अ टेक्निकल कमिटी विल इवेलुएट, फिर इवेलुएट किया जाएगा, उसके बेसिस पे क्राइटेरिया होगा। एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट में बोला गया है, टेक्निकल कमेटी एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशन एज पर द प्लान ऑफ वर्क सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट विल बी द बेसिस ऑफ एलोकेशन एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स वंस द इंस्टीट्यूशन इज एलोकेटेड। नो चेंज इन इंस्टीट्यूट विल बी कंसिडर्ड। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में जाना, मुझे तो किसी और इंस्टीट्यूट में जाना, ऐसा नहीं होगा। वो आपको जिस इंस्टीट्यूट में भेजेंगे, जिस भी IIT, CSIR या जहाँ पर भेजेंगे, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। स्टूडेंट शुड हैज टू फॉलो एलोकेटेड इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस वगैरह आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ये जो है 8 हफ्ते की रहने वाली है, मई से जून यहाँ पर ये रहेगी ड्यूरेशन जो है। रिलीज ऑफ फेलोशिप, आपको फेलोशिप दिया जाएगा। फेलोशिप कब दिया जाएगा? जब रिसीव कर लेंगे रिपोर्ट ऑफ 4 वीक्स, जब 4 वीक्स की वो रिसर्च जो भी आपने काम किया वो रिपोर्ट ले लेंगे सुपरवाइजर गाइड से। उसके बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी जाएगी, स्टूडेंट के अकाउंट में दे दी जाएगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप पीरियड सक्सेसफुली एंड सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, TA एंड सेकेंड इंस्टॉल इंस्टॉलमेंट विल बी रिलीज। तो 1 महीने में वो पहली इंस्टॉलमेंट दे देंगे और सेकंड में आपको ट्रैवल अलाउंस दे देंगे और सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी दे देंगे। इफ स्टूडेंट लीव्स, अगर आपने बीच में ये प्रोग्राम छोड़ दिया विदाउट एनी कंसेंट, तो आप यहाँ पर फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर सारी डिटेल्स, अगर आपको कुछ और पूछनी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं इनसे। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टीट्यूट नेम, BSc में हो, MSc में हो, 10th 12th BSc MSc में क्या रहे। आपको एक राइटअप देना पड़ेगा जो कि 250 वर्ड का हो यहाँ पर, और एप्लीकेंट्स वॉन्ट टू वर्क ऑन बट नॉट अ जनरल डिस्क्रिप्शन इन द एरिया। तो आपको जिस भी चीज़ में वर्क करना है आपको उसका राइटअप लिखना पड़ेगा। आपको रिकमेंडेशन देना पड़ेगा आपके टीचर से, जो भी आपका कॉलेज का टीचर हो सकता है उनसे आपको रिकमेंडेशन देना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सब मैंने जो बताया वो सब सच है। आपको डेट, प्लेस, एड्रेस लिखना पड़ेगा। आपको रेफरेंसेज देने पड़ेंगे, आपकी फैकल्टी के नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। उसके अलावा टू बी इशूड ओनली फॉर स्टूडेंट एप्लीकेंट्स यहाँ पर है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी। लेटर फ्रॉम द हेड प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट भी आपको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के हैं, जूलॉजी के हैं, बॉटनी के हैं, जिस भी स्टूडेंट के, जिस भी उस फील्ड के, आप लगा के दे सकते हैं।
तो ये सारी बातें हैं गाइस, ये सारी चीज़ें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो स्टूडेंट राजस्थान के उनके लिए बहुत ही प्यारी ये चीज़ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका फॉर बीएससी एमएससी प्लीज़ टिक ओनली द मेजर सब्जेक्ट, तो आपका जो भी मेजर सब्जेक्ट होगा उस पर आप टिक कर देना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर